नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के वीडियो में हम कई बातों का जिक्र करेंगे। आपको याद होगा कि बीते दिन बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भूमियारों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया था और आपने देखा था कि कैसे उस बयान के बाद खूब हंगामा भी बरपा हुआ था। आपको बता दें कि अब इसको लेकर बाहुबली नेता अनंत सिंह की भी प्रतिक्रिया आ गई है। क्या कुछ कहा है इसको लेकर अनंत सिंह ने, इसका भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र प्रशांत किशोर का भी करेंगे। आपने देखा कि कैसे प्रशांत किशोर के एक बुलावे पर पटना के बापू सभागार में इकट्ठा हो गए थे ढेर सारे मुसलमान और देखिए वहां पर प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से बड़ा वादा भी कर दिया है। कौन सा वादा कर रहे हैं प्रशांत किशोर मुसलमानों से, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। देखिए, इस वीडियो में हम बात तेजस्वी यादव की भी करेंगे। तेजस्वी यादव का प्लान तैयार है, कौन सा है वो प्लान, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेडीयू के दावे की। आपको बता दें कि जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा दावा कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि बड़े बड़े आ रहे हैं और ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो खेला होना बाकी है, अभी तो भगदड़ मचना बाकी है। कौन कौन आ रहा है इस पर भी हम जिक्र करेंगे और अंत में बात होगी लैंड सर्वे की। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी सुना होगा कि बीते दिनों अशोक चौधरी ने कौन सा बयान दिया था जिसके बाद से हंगामा मच गया था और उसको लेकर अब अनंत सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। क्या कुछ कह रहे हैं अनंत सिंह रवि जी? देखिए, निश्चित रूप से अशोक चौधरी नीतीश कैबिनेट के बड़े और ओहदेदार मंत्री हैं और उनका उनके बात के बोलने का वजन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं जिसको हाय तौबा मचाया जाए, नंबर एक। नंबर दो बात, उसी को आपको जो बाहुबली नेता है मोकामा के अनंत सिंह उसी बात को कह रहे हैं कि वह तो बेटी ही उन्होंने दिया है बिल्कुल भूमिहार समाज और उनके पिताजी के, जो उनके पिताजी थे अशोक चौधरी के, महावीर चौधरी, तो वो वहां से जीता करते थे। उनके मोकामा से थोड़ी दूर पर बताया उन्होंने कि 60 किलोमीटर माने 30 किलोमीटर के आसपास है बरबीघा वहां से। जी, जी, जी। तो वो उनका भी प्रेम भूमिहार समाज का वह बहुल इलाका है जहां से उनके पिताजी जीता करते थे अशोक चौधरी के, तो वह भूमिहार समाज से, भूमिहार से उन लोगों का बहुत प्रगाढ़ है प्रेम। तो वो ऐसे में इस बात को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है और वह व्यक्तिगत रूप से ये बातें कह रहे हैं अनंत सिंह। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हमसे भी मिलते हैं तो उतना ही उनका प्रेम मोहब्बत रहता है। अच्छा, बिल्कुल। और उन्होंने अब इशारों ही इशारों में, इशारा क्या, वो सामने लोग जो बैठे थे बोले कि देखिए भूमिहार समाज के तमाम लोग बैठे हैं, किसी से पूछिए किसी में कोई नाराजगी है। अच्छा जी, तो यह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि वहां पर भूमियार समाज के लोग भी मौजूद थे और अनंत सिंह ने उन्हीं से कहा कि पूछ लीजिए कि क्या कोई नाराजगी है। बिल्कुल, रिपोर्टर से कहा कि आप पूछ लीजिए। अच्छा, और लाइव सिटीज के रिपोर्टर वहां थे, उनसे बोला कि आप पूछ लीजिए खुद की अशोक चौधरी के बयान से क्या कोई किसी में नाराजगी है, क्या किसी का दिल दुखा है, क्या किसी को चोट लगी है। बिल्कुल, तो यह कहीं ना कहीं अनंत सिंह इस बात पर हैं कि है? नहीं कि अशोक चौधरी से कहीं कोई ये नहीं है। अशोक चौधरी शुरू से भूमिहार समाज को सम्मान देते रहे हैं, खुद उन्होंने बिटिया अपनी दी है भूमिहार समाज में, और आचार्य किशोर कुणाल के वो पुत्र वधु हैं। तो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि अशोक चौधरी का मन और मिजाज कैसा है, इसलिए वह इस तरह से सिर्फ अगर यदि आपको हिट करना है किसी को, वो आपको है तो वह मचा दीजिए, दैट इज डिफरेंट। बट अशोक चौधरी हमेशा से भूमिहार समाज, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि अशोक चौधरी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। देखिए, वही नहीं, आप उनके
अशोक चौधरी के पिता की भी बात अरुण सिंह ने कही बिल्कुल, कि बिल्कुल, किस तरीके से उनके पिताजी भी भूमिहार बहुल इलाके से ही जीता करते थे और भूमिहारों का वोट उनके पिताजी को जाता था, मिलता था और मैंने टेकन फॉर गारंटी। तो वो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कैसी नाराजगी, कैसी अलगाव, कैसा विभेद, कैसे। तो यह इतनी बात जब कोई अनंत सिंह कह रहे हैं तो इसी तरह तो नहीं कह रहे हैं, और उन्होंने वह कह रहे हैं उनके पिताजी को भी मैंने देखा, इनको भी मैं देख रहा हूं। तो कुल मिला करके अनंत सिंह एकदम पूरी तरीके से कह रहे हैं कि आपको अपना समर्थन दे दिया है अशोक चौधरी को, लेकिन हम आपसे ये साथ ही समाज के अन्य लोग को भी वहां पर जो मौजूद थे उनका भी समर्थन अशोक चौधरी को मिल चुका है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो हमने देखा कि आनंद सिंह ने खुला सपोर्ट कर दिया है अशोक चौधरी का, लेकिन आपने सुना होगा पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे काफी भड़क उठे हैं, काफी गुस्सा गए हैं और काफी बमक चुके हैं, क्या कुछ कह रहे थे। देखिए टुन्ना जी पांडे जी भूमिहार समाज, राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज, वह कह रहे हैं कि सवर्ण समाज से आने वाले इन लोगों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, ये उनके कहने की बात। लेकिन वह देखिए, वह अशोक चौधरी को भी खूब सुनाया है। हाँ, वही देखिए, वह जो बोल रहे हैं वह उसको विषय को दूसरी दिशा में थोड़ा सा हमको जो लगता है वो डाइवर्ट करके, तो ऐसी बात नहीं है। जब आनंद सिंह कह रहे हैं जिस बात को, उस बात पर मुहर भी लगती है कि देखिए अशोक चौधरी इसी तरह से नहीं आप उनको टारगेट कर सकते, क्योंकि उन बेटी और रोटी का संबंध कोई आम संबंध नहीं होता है। तो ये बेटी रोटी का संबंध उन्होंने आचार्य कुणाल कुणाल के परिवार से बनाया है, तो ऐसे में अगर यदि वह कोई बात कह रहे हैं तो उसको इतना भी हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अशोक चौधरी पर कोई गरम है तो अशोक चौधरी पर कोई नरम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए अब हम दूसरी खबर का रुख करेंगे रवि जी। दूसरी खबर में हम जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर का। बीते दिन एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने अपना पावर दिखा दिया, अपना दम दिखा दिया, और हमने देखा कि उनके एक बुलावे पर जमा हो गए इतने सारे मुसलमान, और बड़ा वादा भी किया है। क्या कुछ वादा किया है? देखिए प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, हाँ, जन सुराज उन्हीं की बनाई हुई है, उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। बिल्कुल, तो वो ऐसे में वह लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी कुछ, कभी महिलाओं का, कभी युवाओं का, तो कभी मुसलमानों का। तो यह जो सो अल्पसंख्यक समाज का पिछले दिनों पटना में वो बड़ा एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो वो देखिए अब वो क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि 40 सीट इस बार के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को दिया जाएगा। बड़ा वादा प्रशांत किशोर ने कर दिया है। अब जैसे निश्चित रूप से 243 असेंबली सेगमेंट है बिहार में, तो उस लिहाज से उसमें 40 सीट वह जो है सो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को देने का ऐलान पिछले दिन ऐलान कर दिया प्रशांत किशोर ने कि हाँ अपनी पार्टी से 40 सीट जो है सो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को देंगे। तो ये एक बड़ी बात है, और उनका मैसेज भी वो गया, उन्होंने कुरान शरीफ की बात की, हदीस की बात की, और कैसे यहाँ पर जो मजमा लगा है उसके बारे में बात की, मजमा लगाने के क्यों लगाना जरूरी पड़ा, ये सब बात एक मशवरा की बात कही। तो पैगंबर मोहम्मद की बात कर दी जी, और वो एक एक बिंदु को वह बिंदुवार एकदम उसी लहजे में वह समझाते हुए बिल्कुल दिखाई, तालीम की बात कर रहे थे, तरबियत की बात कर रहे थे, औलाद की बात कर रहे थे, यानी कि प्रशांत किशोर दम दिखा रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के बीच में उसी लहजे में उसी लैंग्वेज में वो एक तरह से अपनी बात को डिलीवर किया, तो वह उनके डिलीवर करने के अंदाज से तमाम मुस्लिम समाज को, लोग को वह बात ग्रैप करने में, पकड़ने में, समझने में ज्यादा मजबूती मिली। बिल्कुल जी। लेकिन एक बात और है समरी, हाँ, जी। ये पिछले दिनों उन्होंने
एक तो घोषणा कर दिया अल्पसंख्यकों को 40 सीट देंगे, इससे पहले भी पटना में वो किया था तो महिलाओं के लिए, तो उनमें उसमें भी उन्होंने कहा कि 40 सीट महिलाओं को देंगे, जी, जी, तो जी। वो 40-40 का लगता है वो बना करके चल रहे हैं, बना करके चल हाँ, रहे हैं 40 है। महिलाओं को 40 इनको 40 इनको, अब देखना होगा कि बची हुई सीट किसको मिलने, किसको मिलने, युवाओं को क्या देंगे, कैसे देंगे, या इन सभी में उनको क्लब करके जोड़ करके वह युवाओं को भी निकालेंगे, तो यह देखना उनकी, होगा बिल्कुल एक उनकी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के तहत वह काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से यह एक लुभाने वाला भी है, लुभाने वाला मूव भी है प्रशांत किशोर का। देखिए अब हम जिक्र करेंगे तेजस्वी यादव की। देखिए हमने देखा रवि जी के बीते दिन धरने पर बैठ गए थे तेजस्वी यादव, क्या कुछ कहा था वो भी हमने देखा है, और अब तेजस्वी यादव का प्लान भी तैयार है, क्या करने जा रहे हैं अब तेजस्वी यादव? देखिए तेजस्वी यादव एकदम अपने प्लान के, अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से मूव कर रहे हैं। अच्छा, किन किन विधायकों को दरकिनार करना है, किन किन विधायकों को हमको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, किन किन का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में बेहतर नहीं हुआ, वहां पर मैं इंडिया ब्लॉक को हार हुई, माने सीट नहीं निकल सका, बिल्कुल, बिल्कुल, उस असेंबली सेगमेंट से बढ़त नहीं ले सके, लीड नहीं ले सके, यह भी है। उसके बाद से आप देखिए कि उनके यात्रा का प्रोग्राम बना हुआ है, 10 सितंबर से निकल, 10 सितंबर से यात्रा करेंगे, तो तेजस्वी यादव हर पॉइंट पर एक एक करके आगे बढ़ा। अब जो 10 सितंबर से उनकी यात्रा की है, वह देखिए हम लोग बार बार कह रहे थे उनकी उनकी यात्रा होगी गांव से शुरू होगी, तो जो संभवतः जो जानकारी छन करके आ रही है वह लग रहा है कि समस्तीपुर से उनकी, बिल्कुल बिल्कुल जी, वो बजाते लिस्ट आउट हो चुकी है, हाँ, तो वो वहां से शुरू करेंगे, तो यह भी एक देखने वाली बात होगी कि उनकी यात्रा का क्या। और देखिए सबसे बड़ी बात, पिछले दिनों पटना में और पूरे बिहार में जो है सो आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से धरना हुआ, तो वह भी एक मैसेज गया, बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरे देश में जनगणना कराने की बात को लेकर के धरना के साथ, मैंने वो आरक्षण के साथ जनगणना की भी बात, तो ये बिहार में तो 17 महीने के अपने कार्यकाल में जनगणना उन्होंने करा लिया, लेकिन अब देश व्यापी चाह रहे हैं कि हर जगह हो, और देखिए जातीय जनगणना हर जगह हो, बिल्कुल, और इस मुद्दे पर देखिए राहुल गांधी जो कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं, वह तमाम जगह बोल रहे हैं कि ये जो है सो गणना जातीय गणना हो, हो बिल्कुल, तो बिल्कुल उस बात को अब तेजस्वी, आपने ये भी देखा होगा ना कि चिराग पासवान ने भी खुले तौर पर समर्थन दे दिया था, हालांकि उन्होंने कहा था कि इसका जो डेटा है उसको आप सार्वजनिक ना करें, लेकिन आप जातीय जनगणना कराएं, यानी कि तेजस्वी का प्लान ऑफ एक्शन इज रेडी रवि जी, बिल्कुल, यानी कि रवि जी आप यही कह रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो रडार पर हैं, जिन पर नजर है तेजस्वी यादव की। देखिए निश्चित रूप से जो रडार पर, कहने का मतलब यह है कि जो हम शुरू में ही बताया कि जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था जी। और जो इधर हुलुक बुलुक करते हुए चुनाव के दौरान दिखाई पड़े, हम कई बार रिपीटेडली इसको बोल चुके हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, समरीन, बिल्कुल, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, वैसे को तो लिस्ट बना हुआ है, बना हुआ है लिस्ट, बिल्कुल, अच्छा, अब उसको समय आने दीजिए, समय का तक चुनाव से पहले एक्शन हो जाएगा, फायर होगा, फायर होगा, बिल्कुल, इस बात को समझिए, तो वो एकदम वो तेजस्वी, ठीक है, हम तो शुरू में कहे तेजस्वी बोलते कम है करते ज्यादा, करते ज्यादा है। चलिए अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं ने बीते दिन बड़ा दावा कर दिया था रवि जी, और साफ साफ कह दिया था कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी उधर से बड़े बड़े इधर आएंगे, कौन कौन आ रहा है और किस नेता ने ये दावा किया? देखिए निश्चित रूप से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने ही दावा किया है कि यह श्याम रजक का की एंट्री जो हुई, घर वापसी जो हुई, उसी अवसर पर उसी की अभी छोटा सा एक झलक है, ट्रेलर है, हाँ, तो उसके बाद अभी देखिए कई लोग आएंगे और कई लोगों की लिस्ट बनी हुई, अच्छा, हाँ, यह बात हम लोगों ने भी कई दफे कहा कि लिस्ट बनी हुई है, तो धीरे धीरे एंट्री होगी,
धीरे धीरे इंट्री होगी। मनीष वर्मा ने भी कहा हाँ, है। मनीष वर्मा तो राष्ट्रीय जी महासचिव जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी इस बात को मुहर लगा दी इस बात पर, देखिए सब जगह की वो तैयारी है, धीरे हाँ। धीरे सबकी एंट्री होगी जी, जी। और सबका समय भी तय है, दिन सबका समय तय है, दिन और तारीख तय है, सब अपने अपने दिखवा करके रखे हुए किस दिन हमको यहाँ एंट्री लेनी है, तो ये एंट्री निश्चित रूप से होगी। और सब एक बात तो समझ लीजिए कि ये जितनी भी एंट्री हो रही है सबके 2025 के विधानसभा में चुनाव में अपने अपने क्षेत्र के समीकरण के लिहाज से ही एंट्री हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, वैसे हाँ। पहलवानों की एंट्री हो रही है जो कि पहलवान अखाड़े में जाएं और जीत का तगमा लेकर के निकले, ये एकदम इस बात को समझ लीजिए जी जी। ये बड़ी बात है कि जीते हुए पहलवानों पर ही दांव लगाया जा रहा है। चलिए अब हम आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं रवि जी। आखिरी खबर लैंड सर्वे से जुड़ी हुई है। बिहार के लोग काफी परेशान हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं लैंड सर्वे में रवि? देखिए निश्चित रूप से भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जितना इजी गोइंग समझ में आ रहा था, आसान समझ में दिखाई, उतना ही टफ होता हुआ दिखाई, उतना टफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा। बिल्कुल, प्रैक्टिकली आप जाकर के फील्ड में जाइए, इसको समझिए, तो आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखिएगा कि जितने के पास में जो जमीन है, एक तो वह जमीन के कागजात, वह एफिडेविट जो है या जो जिस पर वो कागज बना हुआ है, वो सब एक तरह से समझिए कि गलने किसी के पास खतियान नहीं, हाँ। किसी के पास खेसरा नहीं, किसी है के भी पास तो वह रीडेबल नहीं, बिल्कुल आप पढ़ नहीं पाइएगा। एक तो वह लैंग्वेज भी उस समय का वैसा, बिल्कुल बिल्कुल, नंबर एक। नंबर दो बात, जो पेपर का जो आपका दस्तावेज जो है, जो पेपर है वह भी पीला पड़ चुका है, पीला में भी उठ से पकड़िएगा तो कागज कड़कड़ कर कहीं फट ना जाए, कड़कड़ कर कागज भी गिर रहा है, तो वो उसको सपोर्ट में भी आदमी लगा रहा है, पढ़ने का प्रयास कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है और कह क्या रहा है। लोग आप बात करिए किसी से तो यह बात छन करके आ रही है कि जो फैमिली ट्री बनाना है तो वो फैमिली ट्री कहाँ बनेगा, अच्छा SDO के यहाँ बनेगा, CO के यहाँ बनेगा, नोटरी एफिडेविट होगा कि क्या होगा, यह एक बड़ा झोल झक्कड़ समझ में आ रहा है लोगों को। और माइक से अनाउंसमेंट हो रहा है गांव में, क्या ये बनवाइए, तब तक जब तक आदमी सुन रहा है तब तक माइक जो अनाउंस कर रहा है वो आगे की ओर बढ़ जा रहा है, बिल्कुल, तो फिर दूसरे तीसरे से मालूम चल रही है गाँव में कि देखिए ऐसा ऐसा है, वहां पर ग्राम सभा हो रहा है ऐसे, तो यह एक बड़ा समस्या है। लोग कभी दौड़ के अंचल कार्यालय जा रहे हैं, कभी जहाँ सभा हो रही है वहां जा रहे हैं, तो कभी सभा स्थल पर जा रहे हैं तो सभा खत्म हो जा रही है, अब वहां पर भीड़ कभी इतना हुजूम जुट रहा है कि जो बात स्पष्टता क्लियरिटी नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसको निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग या ऐसे कहें कि जो मंत्री हैं इसके दिलीप जायसवाल, वो बहुत संवेदनशील हैं, बिल्कुल काफी एक्टिव रहते हैं, और जैसे हाँ। ही उनको पता चलेगा तो तुरंत में इस समस्या का भी समाधान करेंगे दिलीप जायसवाल। ये निश्चित रूप से ये समस्या का समाधान करना पड़ेगा, बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल, ये परेशानी है, लोग परेशानी है, और जाहिर सी बात है मंत्री जी इतना एक्टिव है तो परेशानी का समाधान भी जल्द से जल्द होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।